ओके गाइस, तो सैमसंग ने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन के लिए 1E 5.1 की अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। और गाइस, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि सैमसंग का नेक्स्ट UI अपडेट जो होने वाला है ना वो यहाँ पे 1E 5.1.1 होने वाला है। जी हाँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स के ऊपर जो है वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 1E 5.1.1 के बारे में। तो अगर आप लोगों के पास सैमसंग का कोई सा भी स्मार्टफोन है तो आप लोग इस वीडियो को तलक जरूर देखिएगा, और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग ने यहां पे 1E 5.1 में जो है वो काफी अच्छी चेंजेस की है और काफी अच्छे तरीके से UI को जो है वो ऑप्टिमाइज किया गया, और ऑलमोस्ट कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ना वो अपडेट भी देखने के लिए मिल चुकी, और कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर 10 डेज से 15 डेज के अंदर अंदर तक फाइनली अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। बट यार, सैमसंग जो है वो अपने नेक्स्ट UI की टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, जो कि यहाँ पे 1E 5.1.1 होने वाला, और इसमें भी हमें काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट जो है ना वो देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि Z Fold 4 एंड Z Flip 4 के ऊपर एक न्यू फर्मवेयर टेस्ट किया गया, जो कि 21 फरवरी 2023 को फर्मवेयर टेस्ट किया गया। और गाइस, अपडेट टाइप में हमें 1E अपडेट देखने के लिए मिल जाती है, और बताया जा रहा है कि ये जो टेस्टिंग की जा रही है ना वो यहाँ पे 1E 5.1.1 की टेस्टिंग जो है ना वो की जा रही है, और सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ना वो 5.1.1 की अपडेट रिलीज करने वाला है। अब देखो, यहाँ पे तो टेस्टिंग चल रही है और कुछ भी तो इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है कि अपडेट कब तक रिलीज किया जाएगा, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन से स्मार्टफोन्स के लिए अपडेट देखने के लिए मिलेगी। बट मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, 5.1.1 की अपडेट जो है ना वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग क्या करता है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।